कोलकाता और हैदराबाद के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में कोलकाता की शानदार जीत के बाद हर कोई खुशी की लहर में दौड़ पड़ा है, लेकिन इन सबके बीच शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने आखिर क्यों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को जीत का असली हकदार बता दिया। उनका यह बयान सुनकर सभी के होश पूरी तरह से उड़ गए, तो चलिए बताते हैं सुहाना के पूरे बयान के बारे में। लेकिन अगर आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला कोलकाता और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया था। हैदराबाद की टीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में कई नायाब रिकॉर्ड बनाए और जब फाइनल मुकाबले में कोलकाता के सामने पहुंची थी तो सभी को उम्मीद थी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ हैदराबाद की टीम 113 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई और उसके जवाब में 8 विकेट से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बड़ी ही आसानी से मुकाबले में जीत हासिल कर खिताब को अपने नाम कर लिया। लेकिन इन सब के बीच सुहाना खान ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करी। उन्होंने कहा, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पूरे टूर्नामेंट में शानदार क्रिकेट खेला है, लेकिन अगर बात की जाए हैदराबाद की टीम की तो उन्होंने भी अपने फैंस को खुशी का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। जिस तरह के रिकॉर्ड्स और बल्लेबाजी कर सभी को पूरी तरह से हैरान किया था, मुझे काव्या को रोता देख ऐसा लगता है कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ही जीतने की असली हकदार थी। उन्होंने कहा, यह मुकाबला हमारी टीम जीती अगर नहीं भी जीत पाती और हैदराबाद की टीम जीतती तो मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होता, बल्कि मुझे खुशी ही होती। वह भी काव्य मेरी तरह ही है और अपनी टीम को सपोर्ट कर रही थी। टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अगर जीत जाती तो शायद वह खुश रहती। इस तरह से सुहाना ने जीत का हकदार हैदराबाद की टीम को बताया। लेकिन आप सभी सुहाना की महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।